रहीम तो स्टूडेंट्स uh, मैं हूँ जानजैर सलीम और हमने स्टार्ट किए थे एम सी क्यूज एफ एस सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं एफ एस सी फिजिक्स के तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तक हमने सॉल्व कर लिए थे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि द एफिशंसी ऑफ कार्नट इंजन डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन ए है सिंक टेम्परेचर ऑप्शन बी है सोर्स टेम्परेचर और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी तो so स्टूडेंट्स जो इंजन ऑपरेट करता है वो सिंक और सोर्स दोनों के टम्परेचर डिफरेंस पे उसकी जो है एफिशिएंसी डिपेंड करती है सो so इसमें ऑप्शन ए भी दुरुस्त है और ऑप्शन बी भी दुरुस्त है दैट्स वाई हम टिक करेंगे ऑप्शन सी द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये सी पी और सी वी क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सी पी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सी वी तो ये हम इस तरह की एक इक्वेशन भी पढ़ते हैं सी पी इस तरह से हमारे पास इक्वेशन होती है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर तो हम इस इक्वेशन की क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमने क्या लिखा इसको कि ये हमारे पास क्या है सी पी और सी वी इज कॉल्ड गैस कॉन्स्टेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर जो है uh, उसको कॉन्स्टेंट कर लें द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक बैरिक आइसोथर्मल तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने टेम्परेचर को क्या रखा होता है कॉन्स्टेंट रखा होता है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन इनमें से किस किस की डायमेंशन जो है वो सेम है तो देखें वर्क एंड पावर इनकी डायमेंशन सेम नहीं हो सकती क्योंकि पावर जो होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है वर्क एंड टॉर्क तो ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन भी है तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होता है देखें वर्क की हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी फोर्स है और दूसरी तरफ क्या है डिस्प्लेसमेंट है और टॉर्क में भी हमारे पास क्या आता है आर क्रॉस एफ तो इसमें भी फोर्स है और डिस्टेंस है इट्स मीन इन दोनों की हमारे पास डायमेंशन क्या आएंगी सेम आएंगी तो हमारे पास यही आंसर क्या हो गया दुरुस्त हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ़ ए सफियर इज टू परसेंट हमारे पास किसी सफियर के रेडियस में जो परसेंटेज अनसर्टनिटी है वो कितनी है टू परसेंट है द टोटल परसेंटेज अनसर्टेटी द वॉल्यूम ऑफ ए इसफियर इज सिक्स परसेंट क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है बच्चों वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है वी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ऐसा ही होता है तो जब आर में हमारे पास कितनी आ गई अनसर्टिनटी टू तो हम ये जानते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है उसमें जितने परसेंट अनसर्टेनिटी होती है उतने परसेंट को जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया टू परसेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ थ्री के साथ ये आंसर आएगा हमारे पास इसमें सिक्स परसेंट अनसर्टनिटी आ गई अब जब ये वॉल्यूम का टोटल आंसर आ जाएगा तो उसमें हम प्लस माइनस सिक्स परसेंट क्या कहेंगे अनसर्टेनिटी है ये हमारे पास क्या आ गया इसका ये जवाब दुरुस्त आ गया अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है ये फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर ए है इस वेक्टर के ऊपर हम क्या करते हैं ये वेक्टर बी रख लेते हैं वेक्टर बी किसके ऊपर वेक्टर ए के ऊपर तो इनको हम जब ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है रिजल्टेंट वेक्टर बनता है ए प्लस बी तो हमने ये बात की है कि हमारे पास वेक्टर की एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है तो देखिए हमारे पास रिवर्स प्रोसेस क्या होता है वेक्टर की एडिशन का कि अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर हो एक्स वाई प्लेन के अंदर तो हम क्या करते हैं इसका एक एक्स कंपोनेंट ये होता है फॉर एग्जाम्पल ये अगर वैक्टर ए था तो ये इसका ए एक्स कम्पोनेंट है और यहाँ पे वापस ये इसका क्या है वैक्टर का ए वाई कंपोनेंट तो इट्स मीन हम इसको वापस रेजुलेट करते हैं तो वेक्टर की रेजोल्यूशन जो हुई ये वेक्टर का क्या हुआ एडिशन का रिवर्स प्रोसेस हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है कि तो इन थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज थीटा इज इज इक्वल इक्वल टू टू इन ओवर थी एक्स तो इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सूट करेगी तो देखें हमारे पास ये क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये हमारे पास सेकेंड क्वारेंट है ये हमारे पास थर्ड क्वारेंट है और ये हमारे पास क्या है फोर्थ क्वार्रेंट है तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैक्टर थर्ड क्वारेंट में लाई कर रहा है यहाँ लाई कर रहा है सॉरी ये ओरिजिन से लाई करता हुआ आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से ये जो एंगल बना ये एंगल बना फाइव अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ऑलरेडी एक एंगल कवर किया हुआ है जो कितना है वन एटी डिग्री तो फाइनल एंगल हमारे पास कितना बनेगा थीटा इज इक्वल टू वन एटी प्लस इज इक्वल टू वन एटी प्लस हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या होगी दुरुस्त इक्वेशन आ जाती है तो हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है दुरुस्त ऑप्शन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी है क्या क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्टेट अप इन एयर एंड इट एक्वायर थ्री सेकेंड रीच द मैक्सिमम हाइट इट्स इनिशियल वालास्टी इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड इसने क्या कहा कि हमारे पास जब कोई पॉडी जो है एक बॉल को हमने इनिशियल तीन सेकेंड के लिए क्या किया वो हाइट की तरफ फेंका तो इसकी हमने क्या बतानी है इनिशियल वालास्टी बतानी है तो इसकी जो इनिशियल वलास्टी होगी तो हमने इसकी क्या निकालनी है इसकी इनिशियल वालास्टी फाइंड करनी है आप क्वेश्चन नंबर थर्टी का ऑप्शन नंबर ट्वेंटी नाइन आप आंसर हमारे सामने है लेकिन ये कैसे होता है देखें ये हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू v v इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं इसको v इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी एफ प्लस ए टी ये हमारे पास इक्वेशन होती है जब कोई बॉडी जमीन से टॉप की तरफ जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे एक फॉर शॉर्ट इंटरवल ये क्या कर जाता है स्टॉप कर जाता है तो इसकी फाइनल लास्टिंग क्या हो जाती है जीरो हो जाती है यहां से ये यह वापस ग्राउंड पर आता है ओके तो जब ये वापस ग्राउंड पर आता है तो हमने ये बताना है कि इस यह ये जब यहाँ से चला था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जबकि इस ये तीन सेकंड तक हाइट की तरफ गया है ऊपर की तरफ तो देखिए इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई जीरो हो गई तो वी इनिशियल इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगी वी इनिशियल इज इक्वल टू ए A की जगह पे हम क्या लिखेंगे नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आता है थ्री तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आता है ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड तो इट्स मीन ये आंसर हमारे पास क्या हो गया दुरुस्त हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हारीजेंटल कंपोनेंट ऑफ वलासिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज डिक्रीज ज़ीरो तो हरीजेंटल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल क्या करता है इस तरह से मूव करके जाता है तो देखें प्रोजेक्टाइल की जो मोशन होती है डाउनवर्ड इसको क्या करती है ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से इसकी वर्टिकल वलासिटी जो है वो चेंज होती है लेकिन जो इसकी हारीजेंटल ब्लास्टी होती है उस पर वो एक्स हरीजेंटली कोई एक्सेलेशन मौजूद नहीं है वर्टिकली एक्सेलेशन मौजूद है वो कौन सा एक्सेलेशन है जी ग्रेविटेशनल एक्सेशन और हरीजेंटली हमारे पास इस तरफ जाते हुए प्रोजेक्टाइल को कोई एक्सेलेशन मौजूद नहीं है तो दैट्स वाई ए एक्स जो होता है प्रोजेक्टाइल के लिए वो होता है जीरो तो हम ये कहेंगे कि हारीजेंटली जो प्रोजेक्टाइल मूव करता है वो उस वक्त उसकी जो लास्टी रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है अ बॉल इज थ्राउन 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद एक्स एक्सिस दिलास्टी बॉल एट द टॉप पोजिशन इज तो हमने एक बॉल को क्या किया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या किया ऊपर uh, की तरफ फेंका और एंगल कितना था सिक्सटी डिग्री एक्स एक्सिस के अलाउं द दिलास्टी बॉल एट द टॉप पोजिशन इज तो टॉप पर जाकर इसकी जो विलास्टी है वो कितनी हो जाएगी हमने ये चीज़ क्या करनी है सॉल्व करनी है देखें हमारे पास जो विलास्टी है वो कितनी है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो जो हमारे पास जब ये टॉप पे जाएगा तो उस वक्त इसकी जो जब बॉल टॉप पे होता है तो उसकी जो विलास्टी होती है फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ पे जब ये गुजरेगा ये बॉल इस पोजीशन से तो इसकी सारी विलास्टी जो है वो कम्पलीटली कौन सी वालास्टिंग होगी हरीजेंट्रास्टी होगी वी एक्स ओके तो ये फॉर एग्जांपल एक बॉल था जो यहाँ से फ्लाइंग करता हुआ यहाँ जाएगा तो अब इस बॉल की जो वालास्टी होगी वो सारी क्या होगी हारीजेंटल तो हम क्या लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू वी आई अभी हमने ये भी बता दिया कि इधर जो एंगल बनाते हुए ये जा रहा है वो 60 डिग्री का एंगल है वी आई काज ऑफ 60 डिग्री ओके okay? तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी एक्स इज इक्वल टू हारी जेंटर प्लास्टिक सिर्फ तो ये कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय कॉज सिक्सटी वन बाई टू तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या है दुरुस्त है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केव व्लास्टी ऑन द सर्फस ऑफ अर्थ इज इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड द स्केव वास्टिक ऑन द सर्फस ऑफ अनदर प्लेनेट ऑफ सेम मैस एज दैट ऑफ अर्थ बट ऑफ वन ओवर फोर टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ कि जब हमारे पास कोई पार्टिकल जो है वो चला जाता है कहाँ पर स्केव बलास्टी वो ब्लास्टिक जिस पर कोई बॉडी जो है वो अपना प्लेनेट क्या करता है छोड़ देता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ ज़मीन से हम इस बॉडी को बाहर फेंकते हैं और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ कर बाहर निकल जाता है हमने ये कहा कि उसकी जो विलासिटी है वो कितनी है अलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड तो हमें ये बताएं कि अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पर लेके जाएं जहाँ पर जिसका रेडियस मैच तो सेम हो लेकिन उसका रेडियस क्या हो जाए वन ओवर फोर पाई टाइम जो हो जाए क्या हो जाए रेडियस ऑफ अर्थ के से डिक्रीज कर जाए तो उस वक्त हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी तो हमने ये वेलोसिटी का एक फार्मूला लिखा हुआ है स्केोर रूट ऑफ टू जी आर ओके तो ये जो आर है इसने क्या कहा आर फोर टाइम डिक्रीज कर जाए आर फोर टाइम अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आर को आप लिखें आर की जगह पे हम लिख लेते हैं टू जी वन डिवाइडेड बाय फोर इंटू आर तो ये जो हमारे पास टू है ये इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बचा स्केयर रूट ऑफ जी आर डिवाइडेड बाय टू ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी स्केप वेलोसिटी आ जाएगी इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है आ, 22.4, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड द रेशियो बिटवीन आर्बिटल एंड आर, आर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के दरमियान जो रेशो होता है वो क्या होता है अगर हम इन दोनों के फार्मूलाज को क्या करें कंपेयर करें आर्बिटल के भी और जो हमारे पास वेलोसिटी है आर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी ये हमारे पास ऑप्शन ये वाला आता है तो ये हमारे पास कितने थर्टी फोर थर्टी फाइव लास्ट करते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ टू सिलेंडर बट वन लार्ज डायामीटर विल बी लार्जर तो जिसका डायामीटर लार्जर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर आर पर डिपेंड करता है तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा अ व्हील ऑफ डायमीटर वन मीटर मेक्स 60 रेवोल्यूशन पर मिनट 60 रेवोल्यूशन वो एक मिनट में कंप्लीट करता है द लीनियर स्पीड ऑफ ए पॉइंट ऑन इट्स रिम इन मीटर पर सेकेंड इज एन टू एन एन बाई तो हमारे पास इसके रिम के अक्रॉस जो इसकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड होगी वो हमारे पास क्या है के इक्वल आती इफ़ द रेडियस देखिए रेवोल्यूशन है ना रेवोल्यूशन पर मिनट सिक्सटी मल्टीप्लाई बाई टू पाई डिवाइडेड बाय सिक्सटी ठीक है न, 60 60 60, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है पर मिनट का सिक्सटी है ये इसके साथ कैंसिल तो ये हमारे पास क्या आ जाता है टू